नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। आज महानगर पालिका में 41 इमारतों के रहवासी बस में बैठकर पहुंचे थे महानगर पालिका। उनकी मांग थी कि किसी प्रकार से उनके घरों को बचाया जाए, उन 41 इमारतों पर जो लटकती तलवार है उसे हटाया जाए और उन्हें बख्श दिया जाए, उन्हें घर वापस मिल जाए। इस पूरे मामले को लेकर संपूर्ण दल यानी वसई तालुके के सभी सामाजिक राजनीतिक दलों ने एक साथ एकजुटता दिखाई और उन 6000 से अधिक परिवारों के साथ में खड़े होना उचित समझा। जब बसों से यात्रा यहाँ पहुँची तो यहाँ पर काफिला इस प्रकार था, लग रहा था कि महानगर पालिका के सामने आक्रोश वाला मेला लगा हुआ है। यह आंदोलन प्रचंड था, सभी दलों के लोग उपस्थित थे। आगरी सेना ने इस पूरे मुहिम का नेतृत्व किया तो वहीं सभी, चाहे बहुजन विकास अघाड़ी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का दल हो, चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, सभी लोगों ने एक साथ अपने आप को आहूत किया और आयुक्त से बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जिसमें बातचीत के बाद आयुक्त ने भी यानी अनिल पवार ने भी साफ तौर पर कहा कि हम सहयोग करेंगे। सहयोग करने के लिए जो कागजी कार्रवाई होगी, क्योंकि न्यायालय में जिस तरह से एक न्यायालय की प्रक्रिया न्यायालय में ही होगी, निर्णय न्यायालय से ही आएगा, ऐसे में न्यायालय के लिए सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सारे सबूतों की आवश्यकता होगी, उसे इकट्ठा किया जाएगा। रहवासी कब से रह रहे हैं उस सारे पेपर से इकट्ठा किए जाएंगे, उसे करने के बाद कोर्ट में जाकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी और रहवासियों के साथ में एकजुटता होने की भी बात कही। तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर उपस्थित थे, सभी ने क्या कुछ कहा जरा वो भी सुनिए। ये न्यायालयीन लड़ाई है, एक बाजूला न्यायालयीन लड़ाई लागेल आणि कमिश्नर साहब पॉजिटिव आहेत, सगळे सर्वपक्षीय लोक आज पहिल्यांदा सर्वपक्षीय लोकांच्यासाठी उतरले, ही खऱ्या अर्थाने लोकांच्या एकजुटीची जीत आहे। दोन वेनी लढायला लागणार आहे, एक ज्युडिशियली आणि दुसरी टेक्निकली, जे विषय आहेत लोकांना कशा प्रकारे घर देता येतील, तिकडे रिझर्वेशन सगळी कशी होतील ते करून लोकांना त्याच्यातून विनामूल्य घर कसं देता येतील असं एक प्रपोजल चालू आहे। ते लोकांच्या हितासाठी चांगलं आहे आणि त्यासाठी सर्वपक्षीय लोक बसून आयुक्त साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगली लवकरच मंगळवारी मीटिंग आहे, त्याच्यात चांगल्या प्रकारे पॉझिटिव्हली लोकांच्या कल्याणासाठी करता येईल ते करायचं आहे। त्याच्याबद्दल मी बोललो, आता ते निगेटिव्हनेस नको, पॉझिटिव्हली चालले आहेत, पॉझिटिव्हली जाऊ लोकांच्या कल्याणासाठी। सब जण आहे ना उधर जाने के बाद बोला भाऊ, आप काम, आप लोगों के लिए काम करते, चलो साथ में आप रिप्रेजेंटेट करो। काका की वजह से आया सब लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि सबको चाहिए अच्छा काम है तो साथ में आओ, हम तो साथ में है, अच्छे काम के लिए हम साथ में, बुरे काम के लिए साथ में नहीं है। ये देखो 15 साल से सब जन एक साथ रह रहे हैं और 41 बिल्डिंग है, उसमें मेरे ख्याल से 10 से 12 हज़ार लोग रह रहे हैं और इसमें हम लोगों ने सब ने डिसाइड किया क्या इतने साल लोग रहते हैं, सब जितने भी वसई तालुके में पक्ष है वो सभी, हम कोई पक्ष नहीं, लोगों के साथ में हम लोग सब खड़े हैं और उनको लिए मदद करने के लिए लोकतंत्र है, लोक है, नेता है, लीडर है। जर लोक घराच्या बाहेर गेले ना तर त्या नेत्याचा पण काय उपयोग नसतो, शेवटपर्यंत त्या लोकांच्या जोडीला राहण्यासाठी आम्ही सगळे कटिबद्ध आहोत आणि या वेळेला कुठलाच पक्ष वगैरे असा काही आम्ही पुढे करून कुठला अजेंडा ठेवला पण नाही आहे। प्रत्येक माणूस हा आपला आहे आणि ह्या माणुसकीच्या नात्याने आम्ही सर्वांना मदत करतो आणि शेवटपर्यंत करत राहू। पहिला टप्पा जिंकलेला आहे, आहे अजून टप्पे आणि ते 100% आपण योग्य पद्धतीने जिंकणार याचा पूर्ण आम्हाला खात्री आहे। आम्ही कोर्टाचा आदेशाचं पालन करणार आहोत, पण लोकांना कायदेशीर जी काय मदत लागेल ते आम्ही करणार, सर्व आम्ही करणार। ये लढाई किसी पक्ष की नहीं है, ये लढाई जनता की है, लोगों का घर बचाने के लिए, और हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे और घर दिला के रहेंगे जब तक लोगों को उनके हक का घर मिल नहीं जाता। कोर्टाने दिलेले आदेश हे ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ त्यांनी सांगितलं फॉलो करण्यासाठी, परंतु आपल्या महापालिकेच्या काय मीन्स त्यांनी यांना 24 hours खाली करण्याचा आदेश दिल्यामुळे लोकांमध्ये हे संभ्रम आलं आणि आम्ही लोकांना ते अधिकाऱ्यांना तेच सांगितलं, हे 24 hours जर तुम्ही नोटीस देत असणार तर ते कुठेतरी चुकीचं आहे, इथे 15 वर्ष झालं वास्तव्य करत आहेत लोक, 15 साल से इथं रह रहे हैं और तुम्ही एक झटके में इनको 24 hours में अगर निकाल रहे तो ये ठीक वक्त नहीं है। एटलीस्ट क्या है क्या नहीं ये देखना चाहिए और उस हिसाब से उन लोगों ने एक्शन लेना चाहिए। तो ये चीज हमारे कमिश्नर साहब ने देखा और एग्री भी किया, तो इसके लिए मैं इस कमिश्नर साहब ने जो हम लोग को बताया, इसके लिए हम लोग भी उनको हैट्स ऑफ करते हैं कि उन्होंने बराबर से डिसीजन लिया और हमको मौका दिया कि एक हफ्ते में और हम लोग ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर भी एक्शन कैसा ले, इस हिसाब से हम लोग जितने भी लोग रह रहे हैं वो 15 साल से उनके पास क्या क्या पुरावा है, उनके पास घर पट्टे है, उनके पास लाइट बिल है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पैन कार्ड है, सब डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं और हम कोर्ट में सबमिट करने वाले। सभी पक्ष यहाँ पर आने का सीधा सीधा था कि 6000 परिवार जो 12-15 साल से वहाँ पर रह रहा है
और 12-15 साल के बाद उनको 24 घंटे में बोल दिया जा रहा है कि खाली करके वो रास्ते पे आ जाए, तो ये सबके लिए एक चिढ़ पैदा करने वाली बात थी, एक असुरक्षा पैदा करने वाली बात थी, और उसी के चिढ़ और असुरक्षा वातावरण के वजह से आज सारे लोग रास्ते पे उतर के यहाँ पर आए हुए। और हम सब पार्टी के नेता यहाँ पर, आप देखेंगे पार्टी राजनीति बाजू में रख के 6000 कुटुंबों को न्याय दिलाने के लिए आज हम सब यहाँ पर आए थे। मैं महानगर पालिका का जितनी बार विरोध किया हूँ उतनी बार आज मैं खुल के उनकी अच्छाई भी करना चाहता हूँ कि आज इस हिसाब से अनिल पवार साहब ने, कमिश्नर साहब ने यहाँ पर हम लोगों से बातचीत की, हमें जो आश्वासित किया, और सबसे पहले इस बारिश के मौसम में 6000 परिवार को जो उन्होंने एक सांत्वना दी, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ। क्या ऐसा होता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो प्रशासकीय अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई उसमें से आदमी को कैसा निकालना है, तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल, मुझे जैसे कि मीडिया के सामने बोलने वाला विषय नहीं, लेकिन जो वहाँ के क्या होता है न्यायालय भी, मैंने जैसे कल ही आपको बताया था कि जनभावना का विषय आता है, जब जनभावना का विषय आता है तो कहीं ना कहीं ये जो महापालिका के अधिकारी अगर वहाँ पे सच्चाई जब रखेंगे न्यायालय के सामने, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी जब घटनाएं घटती है तो क्या होता है, भूमाफियाओं को बचाने का काम होया जाता है, लेकिन जहाँ 6000 परिवार का सवाल होता है तो जनभावनाओं को जो किस तरह से मतलब कोर्ट के सामने पेश किया जाए और लोगों के घर बचाया जाए, उस तरह से प्रशासन भी अपनी तरफ से प्रयत्न करे, हम भी उस तरह से प्रयत्न करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो 6000 घर बचाने के लिए जो हमें जो करना पड़ेगा हम अवश्य करेंगे, लेकिन इन जिस 6000 परिवारों को जिसने फंसाने का काम किया है उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कल से कार्यवाही मैं चालू करूंगा। आगामी विधानसभा चुनाव और वर्तमान में इस तरह की एकजुटता बताती है कि कहीं न कहीं जनता की बात आएगी तो सभी राजनीतिक दल एक हो जाएंगे, क्योंकि जन समर्थन और जनता की भावना ये प्रमुख होता ही है। अगर आप समाजसेवी हैं, वास्तविकता में काम करते, तो निश्चित रूप से ऐसे समय पर ऐसे मुद्दे पर एक हो जाना ही चाहिए। और आज वसई विरार को कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश हुआ, सभी लोग एक साथ मंच पर आए, आपसी मतभेद मिटाकर एक साथ आकर 6000 परिवारों को एकत्र, उनको इंसाफ दिलाने के लिए साथ में आए। ये आंदोलन सफल जहां हुआ वहां एक अच्छा संदेश भी वसई विरार की जनता को मिला कि जनता के हित, उनके समस्या को निदान की बात होगी तो सभी एक होंगे और एकता के साथ जनता के साथ खड़े होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।